अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाज़िर फ्रॉम amana.com और आज की वीडियो का मकसद नोवा सिटी के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करना है। नोवा सिटी बेसिकली पाकिस्तान की ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया भर में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी लिखा गया है। उनके डेवलपर जो हैं, उन्होंने जो न्यू सिटी के हवाले से डेवलपमेंट की है उस हवाले से उनका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी लिखा गया है। प्लस डेवलपमेंट की जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग है वो भी आप उनके डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं। सो राइट नाउ वीडियो में मैं आपको नोवा सिटी के हवाले से वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग करने में इधर प्लॉट आपको क्यों लेना चाहिए उस हवाले से मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि आप लोग एक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकें। कोई अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये चल रहा है एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्लाइंट, एज अ एंड यूज़र कि मैंने यहाँ पर घर बनाना है, मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आफ्टर 3 ईयर्स यहाँ पर क्या मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा, तो उसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 5 पॉइंट्स होने चाहिए। नंबर 1 इज़ लोकेशन। लोकेशन का जो क्राइटेरिया है आपने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करना है। लोकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए कि जहाँ पर उसकी अप्रोच, जो वहाँ पर रहने वाले रिहायशी लोग होंगे उनकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले बात करूँगा कि एयरपोर्ट, ओनली 3 मिनट्स की ड्राइव पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी की सराउंडिंग एरिया में यही आपको नोवा सिटी की अप्रोच मिल सकती है। नोवा सिटी को 2 एक्सेस लगती है, एक तो मेन सीपेक रोड, दूसरा फतेह जंग जीपती रोड। तो अगर आप फतेह जंग से भी एक्सेस करना चाहें वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और मेन सीपेक रोड से एक्सेस करना चाहें तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक और इंट्रेंस इसमें अभी ऐड हो रही है जो कि एयरपोर्ट के साथ है, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस पर डेवलपमेंट हो रही है और मीन वाइल इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर या विद इन 1.5 ईयर्स वो भी अप्रोच आपको मिल जाएगी। तो इट्स मीन कि 3 अप्रोच आप उससे लोकेशन के हवाले से आप उसको नोवा सिटी पर जा सकते हैं, यानी आप नोवा सिटी में अगर रहते हैं तो ये 3 अप्रोचेस को आप यूज़ कर सकेंगे। नंबर 2, अगर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड न्यू सिटी 1, न्यू सिटी 2, वाक एंड की जो मेन डेवलपमेंट है वो नोवा सिटी वालों ने की है। और आप वहाँ पर अगर वाक एंड की रिहायशी हैं या आप गूगल पर न्यू सिटी के हवाले से अपडेट लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त उन्होंने डेवलपमेंट की है। नंबर 3, आप तीसरी चीज़ क्या देखते हैं कि वो किस इदारे से NOC इसकी अप्रूव्ड है, NOC इसमें है कि नहीं है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा जो है एक इंसान के लिए टेक होता है कि आप जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आया क्या वो अथेंटिक है, आया मुतलका इदारे से अप्रूव है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका PP1 क्लियर है, इसकी NOC इंशाल्लाह 10 to 15 डेज के अंदर मोस्ट प्रॉबली अनाउंस भी हो जाएगी। और जब अनाउंस होगी तो आपको इन प्राइसेस में जो प्री लॉन्चिंग रेट है जिसमें 5 मरला 19 लाख, 10 मरला 37 लाख 50 और 1 कनाल आपको 72 लाख 50 हज़ार में मिल रहा है तमाम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, ये नहीं मिलेगा। तो डेवलपर जो इसकी NOC है PP1 इज़ क्लियर और इंशाल्लाह आपको जल्द ही इसकी जो NOC की अनाउंसमेंट्स हैं वो भी हो जाएंगी। और एक बकाया तौर पे इसका एक सेमिनार होता है, फंक्शन होता है और उसमें ये अनाउंसमेंट होगी। 4th पार्ट कि आप जिस सोसाइटी में रहेंगे वो सोसाइटी आपको फैसिलिटीज़ क्या दे रही है। फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपके पास स्कूल होना चाहिए, मॉस्क होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या पार्क्स हैं, मॉस्क हैं, स्कूल हैं, तमाम की तमाम आपको चीज़ें वहाँ पर मुहैया की जाएगी। इनका नोवा सिटी के नाम, नोवा सिटी के अलावा नोवा स्कूल के नाम से एक बहुत बड़ी ब्रांच नोवा कैंट में अवेलेबल है, वो स्कूल इंशाल्लाह जल्द ही शिफ्ट करेंगे आपका नोवा सिटी में। और आप यहाँ के जितने भी रिहाइश पजीर लोग होंगे तो एक स्कूल का जो एटमोसफियर है वो भी आपको मिलेगा। मॉस्क, मस्जिद हर ब्लॉक की अपनी एक्सेप्टेड मॉस्क है। पार्क्स, 30% ग्रीन एरिया ये लोग ऑफर कर रहे हैं तो उसमें आपको पार्क्स भी मिलेंगे। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी में क्रिकेट ग्राउंड है, थीम पार्क है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, वो आपको मिलेगा।
तो आपको जो वहाँ की बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइव्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी। पांचवी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी आपको ट्रांसफ़र जो है अपनी देगी, या आपके नाम पर रजिस्ट्री इंतकाल होगा, या उसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा, उसकी एथेंटिसिटी क्या होगी। आफ्टर द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रोडक्ट इसका आपको प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल मिलेगा। सो आप सोसाइटी ऑफिस की जो आपके पास होती है कि आपके पास सोसाइटी की ट्रांसफ़र है, आपको वो भी मिलेगी और रजिस्ट्री इंतकाल वो भी मिलेगा। इसमें आपके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इस सोसाइटी में बिल्कुल मुतमईन होके परचेजिंग कर सकते हैं। इनका डिलीवरी टाइम, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। सो आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो आपको फुलफिल इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रैवल डिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के एंड में कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले अगर मैं G15 से बात करूँ तो G15 से 12 मिनट की ड्राइव पर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। G13 से 15 मिनट की ड्राइव पे आप इसको अप्रोच कर सकेंगे। कायदे आज़म हॉस्पिटल से 20 मिनट्स के अंदर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ब्लू एरिया मेन ऑफ द आप कह लें इस्लामाबाद या हार्ट ऑफ द इस्लामाबाद से आप 20 मिनट में इसको एक्सेस कर सकते हैं। वाह कैंट से वाह कैंट इस्लामाबाद से 20 मिनट में एक्सेस कर सकेंगे। सी पैक रूट पे ये बिल्कुल मौजूद है तो 0 मिनट में आप सी पैक रूट से पहुंच सकते हैं। रिंग रोड इसके अंदर से क्रॉस हो रहा है तो डेफिनेटली रिंग रोड भी से भी आपका 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा। एयरपोर्ट से 3 मिनट की ड्राइव है, मेडिकल सिटी से 3 मिनट की ड्राइव है और हकला इंटरचेंज से 5 मिनट की ड्राइव पे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप नोवा सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और नोवा सिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे 24/7 आवर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अमानत.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।